पानीपत में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जाटल रोड स्थित गर्ग राइस मिल के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क से जा रही महिला को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला सड़क पर जा गिरी, वहीं ट्रैक्टर महिला के ऊपर से गुजर गया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहाँ से बिंदल मोड़ से आने लग रहे थे शुगर मिल के। शुगर मिल पर आने के बाद में शुगर मिल से पहले रास्ते में मुखीजा कॉलोनी का रास्ता पड़ता है, उस रास्ते से थोड़ा सा आगे गर्ग राइस मिल के सामने, तो जैसे ही आने लग रहे थे पीछे से ट्रैक्टर ट्रोली आ रही थी। वो ट्रैक्टर जैसे ही ब्रेक मारे, ट्रैक्टर ट्रोलियों ने धक्का मारा, हमारी मिसिज गिर गई। मिसिज गिरने के बाद में अब वो उसके ऊपर कुछ तीनों पहिए उतर, अब तो हाथ से सारा का सारा डेड हो गया, वहीं एट द स्पॉट गुजर गया। ट्रैक्टर वाला था चौकी में, अब वो हिरासत में ले लिया। हाँ, हिरासत में। अरे उसकी मिसिज की उम्र थी 53। उसकी भी FIR दर्ज कर ली गई है। शुगर मिल के सामने एक महिला के साथ एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर का, वो ट्रैक्टर भी कब्जे में ले लिया है। FIR दर्ज करके उसका महिला का पोस्टमार्टम करा दिया और उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे ड्राइवर। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।